तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर रियलमी ने 11 5G स्मार्टफोन को आज ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इसके आपको टोटल जो वो दो ब्रांड देखने को मिल जाते हैं, जो इसका बेस ब्रांड है वो आता है 8GB रैम प्लस 128GB के साथ, जिसकी कीमत आपको 19,000 रुपये देखने को मिल जाती है। एंड इसका जो सेकेंड ब्रांड आता है वो आता है यहाँ पर 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसकी कीमत आपको 20,000 रुपये जो वो देखने को मिल जाती है। अब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको इसके अंदर में एक दो नहीं बल्कि पूरी चार कमी देखने को मिल जाती है, जिसके देखने के बाद मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा, डोंट बाय रियलमी 11 5G स्मार्टफोन। अब वो क्या कमियां इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाती है, क्यों ये स्मार्टफोन आपको बाय नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी भाइयों से एक निवेदन है कि जो कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आया हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने को मिलती रहती है। अब अगर हम बात करें स्मार्टफोन की कमियों की, तो सबसे पहले डिजाइन से बात करेंगे। अब देखिए, इस स्मार्टफोन के अंदर में आपको मेटल का जो वो फ्रेम देखने को मिल जाता है, एंड पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक का डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है। एंड यही इसके अंदर में सबसे बड़ी कमी आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर आप देखें ना 19,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो इसके अंदर में हमें बैक ग्लास डिजाइन जो वो मिलना चाहिए था, या फिर लेदर बैक डिजाइन मिलना चाहिए था। अब ये प्लास्टिक का डिजाइन भाई 19,000 रुपये में कौन देता है आजकल, ये सबसे बड़ी कमी आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाती है। ये एक कमी आपको देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ में आपको इस स्मार्टफोन के अंदर में मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जो प्राइमरी कैमरा वो 108 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाता है, एंड सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का आता है डेप्थ के लिए। इसके अंदर में आपको कोई भी दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी कमी आपको देखने को मिल जाती है। अब रियलमी को ये सोचना चाहिए था कि अगर हम स्मार्टफोन की प्राइस 19,000 रुपये रख रहे हैं, तो भाई यहाँ पर इसके अंदर में एक अल्ट्रा वाइड कैमरा तो देना ही चाहिए था। वैसे आप क्या कह रहे हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा को लेकर के, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर रहेगा। ये दो कमियां तो यहाँ पर आपको उसके कैमरा और डिजाइन में देखने को मिल जाती है। बाकी अदर्स कमियों की बात करें, तो सबसे पहले स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें, तो इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। जी हाँ, आपने सही सुना, इसके अंदर में आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले जो वो देखने को मिल जाता है, कोई भी एमोलेड डिस्प्ले का यूज इसके अंदर में देखने को नहीं मिलता। तो ये भी एक काफी बड़ी कमी आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाती है, और इसको तो डेफिनेटली इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजकल 19,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के हिसाब से 100% आपको ज़्यादातर स्मार्टफोन, जो 80% स्मार्टफोन है, उनके अंदर में एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है इजीली। आपकी कह रहे हैं डिस्प्ले को लेकर के अपना ओपिनियन कमेंट जरूर बताइएगा। हालांकि यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट इसके डिस्प्ले पर दिया गया है, रिफ्रेश रेट तो काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट जो कलर वगैरह आपको एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिलते हैं ना, वो यहाँ पर पूरी तरह से मिसिंग देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको डिस्प्ले को लेकर के आने वाली है। अगर आप एक अच्छी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन देख रहे थे, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। बाकी अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर में परफॉर्मेंस भी आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, और फोर्थ कमी यहाँ पर आपको इसकी परफॉर्मेंस में ही देखने को मिल जाती है। इसके अंदर में आपको मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100+ वाला प्रोसेसर, और देखिए यही सेम प्रोसेसर आपको रियलमी के 11X 5G स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, जो कि सिर्फ 15,000 रुपये में आता है। एंड यहाँ पर सीरियसली लिटरली दोस्तों, यहाँ पर रियलमी ने पता नहीं क्या सोचकर सेम प्रोसेसर दोनों ही स्मार्टफोन में दे दिया है। अब रियलमी का दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया, ये क्या बना रही है आजकल स्मार्टफोन। इसके अंदर में आपको दोस्तों 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका एंटीट्यू स्कोर आपको 3,45,000 का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी लो परफॉर्मेंस आपको तो निकाल करके देगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि आजकल इस प्राइस पॉइंट पर आपको अच्छे खासे प्रीमियम प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। इससे बेटर तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर जो वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देता है। एंड हाल ही में रेडमी ने एक न्यू प्रोसेसर के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च किया है, पोको M6 Pro, या फिर रेडमी 12 5G, जो कि इससे बेटर डिजाइन के साथ में आते हैं, जहाँ पर आपको बैक ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है, एंड परफॉर्मेंस भी इससे काफ़ी कई गुना बेटर आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि कमी उसके अंदर में भी आपको काफ़ी सारी जो वो देखने को मिल जाती है, बट उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यू वो आपको ऑफर कर देता है। अगर हम बात करें 4th Gen 2 प्रोसेसर के एंटीट्यू स्कोर की, तो यही कोई 4,20,000 के आसपास निकल करके आ जाते हैं, तो अराउंड आप ऐसा मान के चलिए 70,000 के आसपास का एंटीट्यू स्कोर में आपको फर्क देखने को मिल जाता है। तो फोर्थ कमी यहाँ पर आपको इसके प्रोसेसर में देखने को मिल जाती है। बाकी बैटरी वगैरह की बात करें, तो बैटरी इसके अंदर में आपको काफ़ी अच्छी जो वो देखने को मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी इसके अंदर में दी गई है, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, और आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन 67W के चार्जर के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। तो चार्जिंग वगैरह यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड पांचवी कमी दोस्तों, उसकी प्राइस में आपको देखने को मिल जाती है, स्मार्टफोन जो बेस रेट है ना 19,000 रुपये में लॉन्च किया गया है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में, लेकिन एक्चुअल में स्मार्टफोन की कीमत यहाँ पर 16,000 रुपये रखनी चाहिए थी रियलमी को, तो थोड़ा बेटर स्मार्टफोन हो सकता था। और इसका जो हाईएस्ट वेरिएंट है 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज 20,000 में जो आता है, वो यही कोई 17,000 या फिर 17,500 रुपये में सही रहता। वैसे एक इसका काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिटर है इन्फिनिक्स का GT10 Pro,
जिसके अंदर मैं आपको मीडियाटेक का ही डायमेंसिटी 1850 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका एंटीट्यूड स्कोर ऑलमोस्ट डबल आपको देखने को मिल जाता है, 7 लाख का एंटीट्यूड स्कोर वो निकाल करके दे देता है, जो कि काफ़ी तगड़ी आपको गेमिंग करा देता है, 90 FPS तक की गेमिंग करा देता है। एमोलेड डिस्प्ले वगैरह आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप उसके साथ में इसका डेडिकेटेड कंपैरिजन चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएगा, आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। वैसे आपकी क्या राय है इसी रियलमी 11 5G स्मार्टफोन लेकर के, अपना अपने कमेंट जरूर देगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रोजाना देखने को मिलती रहती है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।